क्या लोग थे, भूत पे विश्वास करते हैं पुराने लोग। तो क्या हुआ, मैं भी करता हूं। क्या IIT होके आप भूत पे विश्वास करते हो? तो क्या हुआ, भूत पे क्यों नहीं विश्वास कर सकते IIT से हुए तो? हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है ये। हैं? गीता में? हाँ जी हाँ। अरे भाई साइंस साइंटिस्ट बोलते हैं ये सब कुछ नहीं होता, ये सब वो है, सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता है, भ्रम होता है, कोई बीमारी होती है व्यक्ति को, ऐसे ये सब दिखता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये सब नहीं होते। अगर मैं कुछ बताऊंगा ना खुद डर गए तो मुझे मत बोलना। बताओ ऐसे कई ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने खुद पैरानॉर्मल रिसर्च किया था और खुद ये सारे इवेंट्स डॉक्यूमेंट किए थे। अब इसकी डिटेल में जाऊंगा तो आपकी हवाई टाइट हो जाएगी। रेडियो बताओ, हाँ बस फिर ठीक है, तो जब सुनना नहीं है मत सुनो फिर। क्या अब मान लो, चलो अच्छा चलो मान लो है भी नहीं भी है जो भी है, पर ये जान के फायदा क्या है, मतलब है कि नहीं है? भाई फायदा क्यों नहीं है, अगर मान लो आपको ये पता नहीं था, जब तक हमें साइंस में नहीं पता था एक्सरेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उससे पहले की लाइफ हमारी डिफरेंट थी, जब पता चल गया तो उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर पा रहे हम, तो भूतों को तो नहीं यूज़ करना है हमें, पर प्रैक्टिकली अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हम हमारे पे इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर भूत एग्जिस्ट करते हैं तो आप जैसे लोग कम से कम भगवान की शरण लेंगे ना। भूत कहाँ आपने देखे? मैंने तो नहीं देखे ऑफ कोर्स, वो एक डिफरेंट लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, पर चलो हम इसी बात पर आगे चर्चा करेंगे कि क्या भूत होते हैं नहीं होते और क्या उसका साइंटिफिक बैकिंग है, कौन भूत बन जाता है और किस पर भूत अटैक करते हैं और कैसे हम बच सकते हैं। ठीक है, खुश। और स्पेशल वार्निंग है आप में से उन लोगों के लिए जो भूत के सीरियल्स देखते हैं, आप जैसे लोग एंटरटेनमेंट के लिए और उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर आप ये वीडियोस आगे देखेंगे तो, और अगर आप डरना नहीं चाहते, मैं आपको सीरियसली बोलूँगा, आप कुछ भूतों के ऊपर मूवीज़ देख लीजिए एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप ये वीडियोस देखेंगे और समझेंगे कि इनके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, तो जब समझ में आएगा कि ये एक रियलिटी है, तब आपकी जो हवा टाइट हो जाएगी वो एक बहुत डिफरेंट लेवल की हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आगे की वीडियोज़ सिर्फ तभी देखें जब आप में उतना करेज हो कि इस चीज़ को आप डाइजेस्ट कर पाएँ। बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप भूतों से बिना जाने उनमें बिना विश्वास रखे बचना चाहते हैं, आप हमारे गीता कोर्स पर रजिस्टर कीजिए जिसमें हम मेडिटेशन सिखाते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को कमेंट कीजिए कि क्या आप ऑलरेडी बिना डिस्कशन के बिलीव करते हैं या नहीं करते। कोई एक्सपीरियंस है आपका, ऑफकोर्स कोई एक्सपीरियंस है आपका, कोई वीडियो है आपके पास, कोई रिसोर्स है, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम जानना चाहेंगे आपकी क्या ऑलरेडी ओपिनियंस है। और उसके साथ साथ ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि क्या भगवान में भी विश्वास रखते हैं या नहीं। धन्यवाद।